हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करके एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। सो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड dy अपॉन dx, दैट मीन्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू log ऑफ log x। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग 3.1 में जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो लोग चेन रूल से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया y इक्वल टू log ऑफ log x, सो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो चेन रूल यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आई विल राइट हियर, लेट u इक्वल्स टू मैं log x लिख दूंगा, बिकॉज अगर मैं log x को u सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये log u हो जाएगा। मतलब हम लोग फिर ये देखो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे log x का फार्मूला है वैसे log u का फार्मूला आ जाएगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, log x को u अज्यूम कर लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो आई विल राइट हियर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो गया du बाई dx। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये y को लेते हैं हम लोग, सिंस y इक्वल टू क्या दिया है, ये log ऑफ, और हमने क्या किया था, log x को u अज्यूम किया है, तो ये log x के प्लेस में मैं u पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका log u। तो y इक्वल टू log u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। सो आई विल राइट हियर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन du इक्वल्स टू log u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u, 1/u आएगा। तो आई विल राइट हियर 1/u, और आपको u का वैल्यू मालूम है 1/u हमने यहाँ पे लिया था log x, तो आई विल राइट हियर log x। सो dy अपॉन du का वैल्यू मिल गया 1/log x। अभी आपको मालूम है बाय चेन रूल, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल फॉर्मूला आपको मालूम है, dy अपॉन dx इक्वल टू होता है dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx, ये फॉर्मूला है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, dy अपॉन du आपने यहाँ से देखो फाइंड आउट किया है, ये है 1/log x मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। तो du अपॉन dx का वैल्यू देखो यहाँ पर निकाला है हम लोगों ने, du अपॉन dx का वैल्यू 1/x है, तो आई विल राइट हियर 1/x। तो ये फाइनल आंसर हो गया, थोड़ा बेटर वे से लिख सकते हो आप। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 1/x इंटू log x हो जाएगा। सो दिस इज योर dy बाय dx, तो ये देखो सम आपका सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर। अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी सिखा देता हूँ देखो, और यू कैन राइट हियर। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आपको दिया है y इक्वल टू log ऑफ log x दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू log ऑफ log x। तो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो log x के लिए है, बट x के प्लेस में इन लोगों ने क्या यूज़ किया है, log x यूज़ किया है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू, आई विल राइट हियर d बाय dx ऑफ log x, बराबर। यहाँ पर क्या दिया आपको, d बाई डी एक्स ऑफ log x दिया है। तो अगर log x रहेगा तो फॉर्मूला होता है 1/x, अगर यहाँ पे log x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, बट x के प्लेस पे क्या दिया है log x, तो फॉर्मूला आपका वही यूज़ होगा, 1/x के प्लेस पे log x दिया है, तो मैं यहाँ पे log x लिखूँगा, इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x। सी मैंने क्या किया, यहाँ पे log ऑफ log x दिया है, तो मैंने log x का डेरिवेटिव यूज़ किया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट x के प्लेस पे क्या है log x है, तो ये हो गया 1/log x। इंटू करना पड़ेगा आपको x के प्लेस पे जो भी कंपोजिट फंक्शन लिखा है, तो एक्चुअली log x होना चाहिए, बट x के प्लेस पे क्या लिखा है log x, तो log x का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होते जाएगा। सो फाइनल आंसर देखो यहाँ पे आएगा 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, आपको मालूम है 1/x, तो देखो वही सेम आंसर आपको मिलेगा।
सेम आंसर आएगा आपको, वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। सो आइदर आप ये डायरेक्ट सॉल्व करो या तो फिर आप चेन रूल से सॉल्व करो, आंसर आपको सेम आने वाला है। सही है, क्वेश्चन नंबर टू का देखो, मैं यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपको दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ और x का फंक्शन दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। सो यहाँ पे लॉग दे दिया है और ब्रैकेट में x का फंक्शन है, दैट मीन्स लॉग x का फॉर्मूला यूज होगा, बट ये जो फंक्शन दिया है उसको u अज्यूम करना पड़ेगा आपको। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट u इक्वल टू 10x^4 प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। तो लॉग के बाद का जो फंक्शन दिया है x का, उसको मैंने u अज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका du अपॉन dx इक्वल टू, हर एक टर्म्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, अब 10 क्या है, x^4 का कोएफिशिएंट है, तो 10 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, x^4 को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो 10 इंटू d by dx of I will write here x^4 प्लस हो जाएगा 5 एज इट इज रहेगा, d by dx of x^3 लिखेंगे हम लोग, देन माइनस 3 एज इट इज रहेगा, d by dx of ये हो जाएगा आपका x² प्लस d by dx of ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 10 इंटू x^4, तो x^4 में x^n का फॉर्मूला आएगा, तो x^4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x^4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू x^3 में भी x^n का फॉर्मूला आएगा, सो दिस विल बी 3 इंटू x^3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू x², तो x² में भी x^n का फॉर्मूला आएगा, सो दिस इज 2x^2 माइनस 1 और प्लस, देखो लास्ट का जो टर्म दिया है 2, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर, वहाँ पर x नहीं रहना चाहिए, तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 4 ज़ा दिस इज 40 x^3 प्लस 5 3 ज़ा हो जाएगा आपका 15 x² हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6 x हो जाएगा ये। सो दिस इज योर du अपॉन dx मिल गया आपने को ये वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट हम ये y लेके देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू सी log ऑफ एज इट इज रहेगा, और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 10x^4 प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये पूरे टर्म्स को मैंने u अज्यूम किया था, तो आई विल राइट हियर u, तो y इक्वल टू log u, u का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u लिख देंगे हम लोग। सो दिस इज dy अपॉन du इक्वल्स टू log u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u होता है 1 अपॉन u, तो आई विल राइट हियर 1 अपॉन u, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन u का वैल्यू आपको मालूम ही है, u इक्वल्स टू ये लिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका 10x^4 प्लस दिस विल बी 5x³ माइनस दिस इज 3x² और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया आपका dy by du का वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू बाय चेन रूल, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला इज dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, dy अपॉन du का वैल्यू को यहाँ पे निकाला हमने, सो दिस इज 1 अपॉन 10x^4 प्लस 5x³ माइनस आएगा यहाँ पे 3x² और ये प्लस 2 है, देन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx, तो du अपॉन dx का देखो ये वैल्यू मिला हुआ है, सो मल्टीप्लाइड बाय आई विल राइट हियर 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x, ये देखो सम सॉल्व हो गया आपका, तो फाइनल आंसर आएगा 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x अपॉन हो जाएगा 10x^4 प्लस 5x^3 माइनस 3x प्लस 2x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू log ऑफ ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल से सॉल्व करेंगे, तो इजी हो जाएगा ये, तो log ऑफ x का फंक्शन दिया है, तो जो x का फंक्शन दिया है उसको मैं u अज्यूम करके सॉल्व करूंगा, सो आई विल राइट हियर लेट u इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा।
अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो जितना भी टर्म्स था मैंने हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई किया है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये जगह दिस इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट वाला, तो एक्स स्क्वायर का आता है टू एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा टू ए एक्स प्लस बी एक्स, तो बी एक्स का डेरिवेटिव बी होगा बिकॉज के इंटू एक्स का के होता है, तो बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा आपका बी प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स वहाँ पर एक्स वेरिएबल नहीं है, तो सी इज एनी नंबर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका जीरो। सो यहाँ से आपको मिल गया टू ए एक्स प्लस बी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया यहाँ पर। नेक्स्ट अभी हम लोग ये वाई लेके सॉल्व करते हैं। देखो सिंस वाई इक्वल्स टू ये हो गया आपका लॉग ऑफ, अब ये जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको मैंने यू अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा आपका लॉग यू, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू यू, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू यू हो जाएगा ये, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू लॉग यू का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन यू हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा वन अपॉन यू का वैल्यू आपको मालूम है, यू इक्वल टू हमने लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो आई विल राइट हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा ये, सो दिस इज योर डी वाई अपॉन डी यू हो गया। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी बाय चेन रूल आपको आंसर आ जाएगा, सो आई विल राइट हियर बाय चेन रूल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल, तो फॉर्मूला आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला है चेन रूल का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाला है आपने, वन अपॉन दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने देखो यहाँ पर निकाला हुआ है टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है। नाउ सी देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ, फर्स्ट सब क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पे e रेज टू x का फंक्शन दिया है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला आपका यूज होगा e रेज टू x, बट e रेज टू x तो नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है पावर में, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या तो फिर हम लोग चेन रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं चेन रूल से सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर लेट u इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर लेंगे हम लोग, तो e का जो पावर है दैट मीन्स x के प्लेस पे जो भी कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है उसको u लेते हैं हम लोग, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सो दिस आई विल राइट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब ये फाइव तो कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, और आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्स रेज टू एन फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स हो जाएगा, सो दैट विल बी एक्चुअली यहाँ पर टेन एक्स मिल जाएगा आपको माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव टू आएगा बिकॉज के इंटू एक्स का के होता है, तो टू एक्स का हो जाएगा टू प्लस फोर कॉन्स्टेंट है वहाँ पर एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 4 मीन्स k हो गया, k का डेरिवेटिव 0, तो 4 का 0 हो जाएगा, सो दिस वी गॉट हियर 10x माइनस 2 मिल गया, दिस इज योर डी यू बाय डी एक्स हो गया। अभी हम लोग y के फंक्शन को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ u लेकर के, तो सिंस y इक्वल टू e रेज टू पावर में जो देखो दिया 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, उसको हम लोग u से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू u, सो y इक्वल टू e रेज टू u, u का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u हो जाएगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u लिखेंगे हम लोग, सो दिस इज dy अपॉन du इक्वल टू
जैसे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स। सेम वे ई रेस टू यू का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यू आएगा, ई रेस टू यू ही रहेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई रेस टू, अब जहाँ पर यू है उसको हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² - 2x + 4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी यू हो गया। नाउ बाय चेन रूल फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, सो आई विल राइट हियर बाय चेन रूल। तो बाय चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला आपका है। तो डी वाई अपॉन डी यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ई रेज टू 5x² - 2x + 4 मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 10x - 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10x - 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 10x - 2 को पहले लिख दो इंटू ई रेज टू 5x² - 2x + 4, सो दिस इज़ योर डी वाई बाय डी एक्स हम सॉल्व हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पे जो सेकंड सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वाई इक्वल टू ए रेस टू 1 + log x दिया है, और आपको मालूम है ए कांस्टेंट होता है, तो ए जो है कांस्टेंट है और जो पावर है वो x का फंक्शन है, दैट मीन्स ये टाइप का फॉर्मूला इसमें आएगा डी बाई एक्स ऑफ ए रेस टू x, बट x की जगह पे कंपोजिट फंक्शन है 1 + log x है। तो हम लोग इसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं, सो आई विल अज्यूम हियर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट u इक्वल टू 1 + log x, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 + log x है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज कांस्टेंट है, वहाँ पर x नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपको मालूम है 1/x होता है, तो यहाँ से मिल गया आपको डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया आपको 1/x, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। नाउ सी हियर, अब गिवन फंक्शन y से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सिंस y इक्वल टू क्या दिया है आपको a रेज टू 1 + log x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a रेज टू, बट मैंने क्या किया है 1 + log x को देखो u अज्यूम कर लिया था, तो 1 + log x को u अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा u। नाउ दिस y इज द फंक्शन ऑफ u, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u आएगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u हो जाएगा ये, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू। सी अभी आपको मालूम है a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू log a, सेम वे a रेज टू u का डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज टू u इंटू log a हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको u का वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, सो डी वाई अपॉन डी यू इक्वल्स टू a रेज टू, जहाँ पर u है वहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 + log x, तो ये हो जाएगा आपका 1 + log x इंटू, और ये log a तो एज इट इज रहेगा, सो वी गॉट डी वाई अपॉन डी यू। अब फाइनल आंसर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बाई यूजिंग चेन रूल, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल, सो आई विल राइट हियर बाय चेन रूल लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला है चेन रूल का। तो डी वाई अपॉन डी यू का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो मैं लिख देता हूँ a रेज टू 1 + ये हो जाएगा आपका log x इंटू, ये log a है, मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने 1/x निकाला हुआ है दिस वे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y कोड दिया 5 रेज टू x + log x, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट आई विल राइट हियर लेट u इक्वल्स टू लेंगे हम लोग x + log x ले लेता हूँ मैं दिस वे, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अभी आपको निकालना है x + log x का डेरिवेटिव, तो स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका x + 1/x ऑल्सो यू कैन राइट, तो ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट अभी हम लोग ये u y लेके सॉल्व करेंगे, तो सिंस
y इक्वल्स टू है ये 5 रेस टू, यहाँ पर दिया है x प्लस लॉग x, बट मैंने x प्लस लॉग x को u अज्यूम किया है तो ये 5 रेस टू u हो जाएगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो गया डेरिवेटिव के, ये फार्मूला देखो सेकंड वाला, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, जहाँ पर a क्या है कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका dy वाई अपॉन डी यू इक्वल टू फाइव रेस टू यू का डेरिवेटिव होगा फाइव रेस टू यू इन टू लॉग फाइव हो जाएगा। अभी आपको u का वैल्यू तो मालूम ही है, सो दिस विल बी dy वाई अपॉन डी यू इक्वल्स टू फाइव रेस टू, जहाँ पर u है वहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस लॉग x, तो फाइव रेस टू ये हो जाएगा x प्लस लॉग x हो जाएगा इन टू, देखो यहाँ पर क्या दिया है लॉग फाइव, सो हम लोग यहाँ पर log 5 लिख देंगे दिस वे। आपको फाइनल आंसर निकालना है dy बाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय चेन रूल, तो आई विल राइट हियर बाय चेन रूल फार्मूला आपको मालूम है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है dy अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला आपके पास, सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू, तो dy अपॉन डी यू देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 5 रेस टू, यहाँ पर दिया है x प्लस log x है इंटू यहाँ पर है आपका log 5 देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय इंटू क्या दिया डी यू अपॉन डी एक्स, तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स देखो यहाँ पे निकाला हुआ है x प्लस वन अपॉन x, तो आई विल राइट हियर x प्लस वन अपॉन x, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया dy अपॉन डी एक्स, सम सॉल्व हो गया ये। सो माई डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर रहेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।